और सेक्टर भी ट्रैक करते हो जहां पे आपको सिप बनाने की इच्छा हो, कोई और मिड कैप शेयर आपको पसंद आता हो, किसी और सेक्टर में आपका रुझान हो? हाँ बिल्कुल, आप मिड कैप बैंक्स देखिए तो तीन नाम लूंगा, फेडरल बैंक, डीसीबी और आईडीएफसी फर्स्ट। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दीज थ्री। और उसके अलावा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होके वी हैव पुट आउट अ बाय अराउंड 14-20 ऑन इंडसइंड बैंक। और यहाँ हम 90 रुपये में येस बैंक भी सजेस्ट करते हैं अगले 12 हफ्ते के लिए, क्योंकि येस बैंक में जो कैपिटल रेजिंग है वो आई थिंक इज अ मैटर ऑफ टाइम, चाहे अगले 2 हफ्ते में आए या 1 महीने में आए, बट द डे दे रेज कैपिटल दैट डे द स्टॉक विल बॉटम। अब वो बॉटम का टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है, 3 साल में पहली बारी आपको लेस देन प्राइस टू बुक मिल रहा है, और आई थिंक जो उसमें अनसर्टनटी थी वो मैनेजमेंट ने दूर कर दी कि दे आर लुकिंग फॉर कैपिटल फॉर ग्रोथ नॉट फॉर बैलेंस शीट इश्यूज। तो यहाँ हम ये पांचों शेयर भी सजेस्ट करेंगे ऑन द मिड कैप साइड। चलिए ये 5 शेयर्स में दोबारा आपको नाम ले देता हूँ। मिड कैप बैंक्स में फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट। फेडरल और डीसीबी बैंक में लगभग पिछले 3-4 महीने से आपको बहुत ज़बरदस्त बाय कॉल्स मिल रही हैं सीएनबीसी आवाज़ पर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो प्रदीप जी के चुनिंदा फेवरेट स्टॉक्स में से भी एक है। इंडसइंड बैंक जिसके नतीजे आ जाए हैं उसमें आपको 1420 रुपये से संजीव भसीन साहब ने एक कॉल दी है, और येस बैंक 90 रुपये पे उनको पसंद है। उस पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। एक सेक्टर जो आज बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो है शुगर कंपनीज का, और आप देखिए